टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुंब्रा के शंकर मंदिर इलाके पे और आपको दिखा दें कि आज भगवान शिव के दर्शन करने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। दरअसल आज महाशिवरात्रि का पर्व है और सनातन धर्म में महाशिवरात्रि पर्व जो है बहुत ही अहम माना जाता है। आपको बता दें कि आज के दिन जो है लोग व्रत रखते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भगवान शंकर के दर्शन करते हैं और जला अभिषेक करते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि आज सुबह से ही क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बूढ़े जवान सभी इसी तरह से लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है और भगवान शंकर के जो है दर्शन करने के लिए मुंब्रा के शंकर मंदिर पर इसी तरह से श्रद्धालुओं का ताता लगा हुआ। आपको बता दें कि आज श्रद्धालुओं के साथ साथ जो है यहाँ पर जो ट्रस्टी है हीरालाल गुप्ता और सुधीर भगत और ऐसे तमाम और साथी मौजूद हैं इनके यहाँ पर हम बात करेंगे और साथ में नंदू कुमार कीने और भी इस तरह के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले जो ट्रस्टी हैं हीरालाल गुप्ता जी से। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है भक्त पहुँच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान शंकर की आज शादी की वर्षगांठ। जो भगवान की जो शादी हुई वो महाशिवरात्रि के दिन हुई थी, तो इस तरीके से हिंदू समाज ये पर्व को बहुत ज़ोर शोर से धूमधाम से मनाता है। यहाँ पर मुंब्रा ऐसी जगह में लगभग 25,000 लोग इस महाशिवरात्रि पर्व में दर्शन लेने आते हैं और सारी सुव्यवस्थाएँ यहाँ पर भगवान शंकर के आशीर्वाद से हो जाती हैं। बहुत बढ़िया यहाँ पर व्यवस्था है, नाश्ता की व्यवस्था है। आज पूरे दिन सुबह से लेकर के रात तक लगभग 25,000 लोगों के लिए नाश्ता, जिसको साबूदाने की खिचड़ी बोलते हैं, उपास यानी फास्ट यानी रोज़ा, ये हम इस तरीके से यहाँ पर सारे लोग करते हैं। तो उपास का आज भोजन है और कल इसका समापन होगा और कल के दिन यहाँ पर भंडारा होगा, उसमें भी लगभग 10,000-11,000 लोगों का यहाँ पर पूरे तरीके से भोजन रहेगा शुद्ध शाकाहारी। सुधीर भाई, आप क्या कहेंगे? आप भी आए थे यहाँ पर भगवान शिव की जो है दर्शन किए, पूजा अर्चना किए। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को महाशिवरात्रि के पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज मेरे श्री की शादी की जो खुशियाँ मनाई जा रही है, हर सब लोग यहाँ पर हर्षोल्लास से ये खुशियाँ मना रहे हैं। आज सबको इस खुशी में शामिल होने के लिए मैं हमारी ओर से, मेरे परिवार की ओर से सबको शुभकामनाएं देता हूँ। शंकर मंदिर के जो पुजारी है वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि शंकर मंदिर की जो खास तौर पर खासियत है वो क्या क्या खासियत है, हमसे बात करेंगे। पुजारी जी, क्या नाम है आपका? रोहित शास्त्री जी महाराज मेरा नाम है और मैं यहाँ का पुजारी हूँ। और यहाँ जो है महाशिवरात्रि का बड़ा उत्सव मनाया जाता है। प्रतिदिन सुबह 5 बजे मंदिर खुलती है, 5:30 बजे मंगल आरती होती है और प्रतिदिन 8 बजे जो है आरती होती है, दोपहर में 12 बजे। और आज देखिए हजारों की कतार में भक्तगण आए हुए हैं अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। और यहाँ जो है हमारे स्वयं शंभू उमरेश्वर महादेव विराजमान हैं, स्वयं शंभू है, स्वयं शंभू का बहुत बड़ा महत्व है, इसके लिए यहाँ आते हैं कामना को लेके और अपनी कामना पूरी करते हैं। काफ़ी पुरानी मंदिर है, इस मंदिर का कुछ इतिहास है, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आप? हाँ, ये मंदिर 300-400 साल पुरानी मंदिर है और बहुत पुरानी है और स्वयं शंभू हैं। बाकी हमारे श्रीमान हीरा गुप्ता जी बताएंगे मंदिर के बारे में। गुप्ता जी, मंदिर काफ़ी पुरानी है, क्या इसका इतिहास रहा है, इसके बारे में? ये जो मंदिर है लगभग पिछले 350 साल पुराना मंदिर है। 350 वर्ष पूर्वी ये जो शिवलिंग है ये हाथ से बनाया हुआ नहीं है, ये जमीन में से अपने आप निकला हुआ स्वयंभू शिवलिंग है कि कभी साफ सफाई या खोद काम करने के बाद में ये ऐसा शिवलिंग निकला रहा होगा। और उसके बाद में कई बहुत ही पुराने साधु संत यहाँ पर आकर के यहाँ से गए और अभी लास्ट जो हमारे साधु थे उनका नाम था श्री श्री 1008 लालदास जी महाराज, उससे पहले बलदेव जी महाराज थे, उससे पहले सीताराम जी महाराज थे। तो एक लंबा महाराष्ट्र के जो संत हैं वो हिसाब से संतों का एक स्थान रहा है और स्वयंभू है, इसलिए इनको स्वयंभू बोलते हैं, जो अपने आप से क्रिएट होते हैं उनको स्वयंभू बोलते हैं। इसके साथ में यहाँ पर गणेश जी का भी मंदिर है, उसके साथ में हनुमान जी का है,
पीछे एक काल भैरव जी का मंदिर है, वो भी सब स्वयंभू हैं। और हमारे यहाँ पर जो ये मंदिर होते हैं उसके सामने एक तालाब होना चाहिए, तालाब भी है यहाँ पर, एक गौशाला होनी चाहिए वो भी यहाँ पर है। यानी जो आवश्यकताएँ एक ज्योतिर्लिंग के लिए होती हैं वो सारी आवश्यकताएँ ये मंदिर करता है। इसलिए यहाँ पर सभी चीज़ें मौजूद, हाँ जी सभी चीज़ें यहाँ पर मौजूद, सभी चीज़ें ज्योतिर्लिंग के हिसाब से मौजूद हैं। इसलिए इसमें लोगों की श्रद्धा बहुत है। यहाँ पर पुणे से भी लोग आते हैं, नासिक से आते हैं, कर्जत से आते हैं, वेस्टर्न साइड से आते हैं, बॉम्बे से, घाटकोपर, मुलुंड से काफ़ी भक्त लोग आते रहते हैं। तो ये मुंब्रा का शंकर मंदिर है और यहाँ पर आज महाशिवरात्रि के दिन आप देखेंगे तो दर्शन करने के लिए यहाँ पर बड़ी लंबी जो है कतार लगी है। इस तरह की कतार आपको दिखाएंगे कि जो गेट है, शंकर मंदिर का गेट है, उसके बाहर तक यहाँ पर महिलाएं हैं और बच्चे हैं, पुरुष हैं, लगे हुए हैं। और इसी के साथ ही आगे के साइड में वहाँ पर मेला भी लगा हुआ है, खासतौर पर जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं उन लोगों से भी हम बातचीत करना चाहेंगे। आज यहाँ पर जो लोग दर्शन करने के लिए आए उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, दर्शन घेतो बात करने की कोशिश करें। आज आप महाशिवरात्रि का दिन है, आज भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए आए, क्या मनोकामनाएं लेकर आई हैं जो आप पूरी होने की इच्छा रखती हैं? यही भला कर दें शंकर जी। हर कोई कैमरे पर नहीं बोल पाता है, इसलिए आपको बताएंगे, कोशिश करेंगे, कुछ लोग हैं जो बोलने की कोशिश करेंगे, हम उन्हीं से बात करेंगे। क्या कहेंगे आज आप लोग शिवरात्रि के दिन यहाँ पर आए हैं दर्शन करने के लिए भगवान शिव के, क्या आपकी मनोकामनाएं हैं? पहले तो हमारे पूरे मुंब्रा वासियों को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी लोग रहते हैं, लेकिन हर त्यौहार हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं यहाँ पर। और आज का जो ये महाशिवरात्रि पर्व है, 2 साल कोरोना काल के कारण यहाँ पे महाशिवरात्रि इतने धूमधाम से नहीं मनाई गई, लेकिन इस साल बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। और मैं सभी मुंब्रा वासियों को फिर एक बार महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे जो रिपोर्टर हैं, खास हमारे मित्र भी है इस्लामुद्दीन खान, उनको भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर कवरेज किया है। इस तरह से तमाम जो है भक्त यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप आज जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या इच्छाएं हैं आपकी? तो इच्छा है जो कोरोना से है सब ना रहे, चाहे इसके 2 साल के बाद ऐसा हुआ इधर पे, 2 साल से बंद था। अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी अच्छा लग रहा है, अगले साल तो कुछ भी नहीं था, ये साल तो इतना फेस्टिवल दिया है, इतना अच्छा त्यौहार मना रहे हैं। बंदोबस्त कैसा है यहाँ? अच्छा है। पूजा अर्चना के लिए जा रहे हैं, आज महाशिवरात्रि का दिन है, क्या कहेंगे इस मौके पर, क्या मनोकामनाएं आपकी जो आप भगवान भोले से मांगना है? मैं बोला सब आशा पूरियां कर दो, एक बार बच्चे को बच्चा दे दो, अच्छा सब कर दो। हम लोग पंचमों को मानते हैं और शिव जी भी हमारे भगवान ही। तो आपने सुना कि जो मुंब्रा का शंकर मंदिर है वहाँ पर आज महाशिवरात्रि के दिन बड़ी संख्या में भक्त पहुँच रहे हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना भी यहाँ पर की जा रही है। आज करीब पूरी रात यहाँ पर भगवान शिव की पूजा अर्चना चलती रहेगी। कैमरामैन नीलेश के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।